जय जिनेन्द्र। पुनः पुनः स्वागत है आप सभी का मुनि धर्म नामक विषय में। अब मंगलाचरण देखते हैं और आज की चतुर्थ और पंचम कक्षा फिर प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण। नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। ओम नमः सिद्धेभ्य। विगत दिनों से हम मुनि धर्म नामक विषय पर कक्षाएं सुनते आ रहे हैं और उसी क्रम में आज की कक्षा का विषय है जैन धर्म की महिमा अन्य दृष्टि से। क्योंकि हम जैन धर्म की महिमा अथवा मुनिराजों की महिमा पूर्व में भी एक कक्षा में जान आए हैं कि आचार्यों ने, अमृतचंद्र आचार्य ने और अन्य अन्य आचार्यों ने क्या कहा, इस दृष्टि से हम पहले भी जैन धर्म की महिमा जान आए हैं और उसी को अब आगे इस कक्षा में हम अन्य दृष्टि से जानेंगे कि लौकिक महापुरुषों ने क्या कहा, किस ग्रंथ में क्या कहा गया है। महात्मा गांधी और भी अनेक जो महापुरुष हैं, उन्होंने किसने क्या कहा है हमारे जैन धर्म के बारे में, हमारे दिगंबरत्व के बारे में और हमारे मुनियों के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं, किसने क्या कहा। सर्वप्रथम हम देखते हैं महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगंबर ही है, आदर्श मनुष्य सर्वथा निर्दोष होता है। यह महात्मा गांधी जी के सुविचार हैं कि मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगंबर ही है। दिगंबरत्व के बारे में उन्होंने कहा कि जो दिगंबर है वह मनुष्य मात्र, मतलब सभी मनुष्यों की दिगंबर आदर्श स्थिति जो है वह दिगंबर ही है। आगे कहते हैं रिटर्न टू नेचर नामक पुस्तक में, पवित्र प्राकृतिक जीवन बिताने वाले जंगल के प्राणी अथवा अर्थात मनुष्य रोग मुक्त रहते हैं और मनुष्य के दुर्गुणों तथा पापाचारों से बचे रहते हैं। आज जंगल में जीवन बिताने वाले प्राणियों को की ओर से कहा गया है। जंगल में जो जीवन बिताते हैं प्राणी मनुष्य अर्थात हमारे मुनिराजों को ही यहाँ पर लक्ष्य किया गया है कि वह कैसे होते हैं कि रोग मुक्त रहते हैं और दुर्गुणों और पापाचारों से बचे रहते हैं। आगे कहते हैं फिर से महात्मा गांधी जी का वाक्य है, उन्होंने कहा कि वास्तव में देखा जाए तो कुदरत ने चमड़ी के रूप में मनुष्य के योग्य पोशाक पहनाई है, नग्न शरीर कुरूप दिखाई पड़ता है। ऐसा मानना हमारा भ्रम मात्र है कि यदि देखा जाए तो हमें अन्य वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। जब कुदरत अर्थात प्रकृति ने चमड़ी के रूप में हमें मनुष्य के योग्य जो पुरुषार्थ पोशाक है वह उन्होंने पहनाई है, ऐसे अर्थात यहाँ पर भी दिगंबरत्व हमारे दिगंबर मुनियों को भी लक्ष्य किया गया है, उन्हीं का यहाँ पर महिमा बताई गई है। आगे देखते हैं कि आगे कहते हैं यह हमारे दिगंबर मुनि राजों की महिमा है। क्या कहते हैं आचार्य कुंद भाव पाहड़ जी 68 नंबर की गाथा में कि नंगा दुख पाता है संसार में, भ्रमता है उसे बोधि विज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि नंगा होते हुए भी वह जिन भावना से दूर है अर्थात जिन भावना से युक्त नग्नता ही पूज्य है। यहाँ पर जिन भावना से युक्त, जो जिनेन्द्र भगवान की भावना से युक्त है, जिनेन्द्र भगवान की श्रद्धा, फिर उनके पश्चात अपनी आत्मा की श्रद्धा से युक्त जो नग्नता है वही पूज्य है। ऐसा आचार्य कुंद अपनी भावपाहड़ नामक ग्रंथ में, अष्टपाहड़ में जो भावपाहड़ जी है उसकी 68 नंबर की गाथा में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अतः दिगंबरत्व मनुष्य की आदर्श स्थिति है, आरोग्य और सदाचार का वह पोशाक ही नहीं जनक है, पोशाक ही नहीं जनक है जो दिगंबरत्व है। निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है कि अतः दिगंबरत्व जो है वह मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति है, वह आरोग्य और सदाचार का वह पोषक ही नहीं जनक भी है कि आदर्श और सदाचार का यदि हम जनक जाने तो वह दिगंबरत्व ही कहा जाएगा। सूत्र पाहड़ जी में आचार्य कुंद कहते हैं वस्त्र धारण किए हुए कोई मुक्ति नहीं पा सकता, तीर्थंकर भी नहीं। यह हम सब जानते हैं
कि जब तक तीर्थंकर भी हमारे तीर्थंकर भगवंत भी मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग में आरूढ़ नहीं हो जाते हैं, वस्त्र आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं कर देते हैं, तब तक वह भी मुक्ति नहीं पा सकते। तो यदि हमें भी मुक्ति पानी है तो पहले वस्त्र त्याग अर्थात मुनि दिगंबर मुनि दीक्षा ही धारण करनी पड़ेगी। यहाँ पर उसी को लक्ष्य में लेते हुए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं सूत्र पहाड़ जी में ही कि मुनि यथाजात रूप हैं, जैसा जन्मता बालक नग्न रूप होता है वैसा ही नग्न रूप दिगंबर मुद्रा का धारक वह अपने हाथ में तिल तुस मात्र भी कुछ ग्रहण नहीं करता, यदि कुछ भी ग्रहण कर ले तो वह निगोद में जाता है। देखिए जब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी बता रहे हैं कि जो जन्मता हुआ बालक होता है उसके पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह कुछ भी नहीं होता है, जैसा जन्मता है बालक वैसे ही हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, ना उनके मन में कोई हिंसादि भाव, कोई मायादि, कोई कसायादि भाव होते हैं, ना उस बालक के मन में, जन्मते हुए बालक के मन में कोई भी कसायादि भाव, कोई भी बुरे परिणाम होते हैं, उसी प्रकार हमारे मुनिराजों के मन में भी नहीं होते और बाहर में भी दिगंबर मुद्राधारी होते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है और कहा गया है कि यदि ग्रहण करे तो निगोद में जावे। यदि कोई दिगंबर मुद्रा धर के भी परिग्रह का ग्रहण करता है, परिग्रह को साथ में रखता है, किसी भी प्रकार के आरंभ परिग्रह से सहित होता है तो वह आचार्य कुंद सूत्र पहाड़ जी में कहते हैं कि वह निगोद में जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में कहते हैं कि दिगंबरत्व प्रकृति का ही एक रूप है, जो दिगंबरत्व है वह प्रकृति का ही एक रूप है, इस कारण उसका आदि और अंत कहा ही नहीं जा सकता, वह तो एक सनातन नियम है। जो दिगंबरत्व है यहाँ पर उसको नियम के रूप में बताया गया है कि जो दिगंबरत्व है वह प्रकृति का ही एक रूप है, ना तो उसका आदि और ना अंत कहा जा सकता है। आगे कहते हैं देखिए कि यदि मृत्यु के बाद भी जीवन है तो मैं चाहूँगा कि मेरा जन्म जैन धर्म में हो। देखिए जैन धर्म की महिमा किसने, जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टाइन जी बताते हैं, आइंस्टाइन जी कहते हैं कि यदि मृत्यु के बाद यदि जीवन है, उन्हें यह पता नहीं है कि हाँ जीवन है भी या नहीं, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि यदि जीवन है तो मेरा जन्म जैन धर्म में हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। आगे कहते हैं राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं, देखिए यहाँ उसके पीछे छिप गया है, कोई बात नहीं, यदि आपको भारतीय संस्कृति की झलक देखनी है तो मरुधरा के जैन ग्रंथागारों को छान डालो। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यदि आपको भारतीय संस्कृति, देखिए यहाँ पर अपने जैन ग्रंथागारों को मतलब जैन धर्म को मतलब दिगंबरत्व के मतलब दिगंबर धर्म को यहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक कहा गया है कि यदि आपको भारतीय संस्कृति की झलक देखनी है तो दिगंबर जैन ग्रंथागारों को छान डालो, अर्थात दिगंबरत्व दिगंबर ग्रंथों में ही उसका पूर्ण रूपेण स्वरूप मिलेगा, ऐसा इनका मानना है ये राहुल सांकृत्यायन जी। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कि मेरे कहने में कुछ भी अद्भुत नहीं है कि वेदों की रचना से बहुत पहले जैन धर्म का अस्तित्व था, अर्थात जैन धर्म अस्तित्व में था। ये डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि यदि मैं ऐसा कहूँ कि वेदों की रचना से पूर्व भी जैन धर्म अस्तित्व में था तो इसमें कोई भी अद्भुत नहीं है, कोई भी आश्चर्यकारी बात नहीं है। केवल मैं ही नहीं सारा राष्ट्र जैन है, ये कौन कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी कहते हैं, इंदिरा गांधी जी, गांधी जी कहती हैं कि केवल मैं ही नहीं सारा राष्ट्र जैन है, क्यों, क्योंकि हमारा राष्ट्र अहिंसावादी है और जैन धर्म अहिंसा पर विश्वास रखता है, इसलिए उन्होंने अपने राष्ट्र को ही अहिंसा से अर्थात जैन धर्म से जोड़ दिया है और ऐसा उनका मानना है। इस प्रकार हमने आज जाना कि जैन धर्म की महिमा क्या है और अन्य अन्य लोगों ने, महापुरुषों ने, गांधी जी ने रिटर्न टू नेचर नामक पुस्तक में और राहुल सांकृत्यायन जी ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कुंद आचार्य ने क्या क्या कहा अपने दिगंबरत्व की महिमा में, दिगंबर धर्म की महिमा में, जैन धर्म की महिमा में, यह हमने जाना।
और ऐसी महिमा हमें भी आए सो हम ऐसी महिमा प्रकटा करके उनके समान ही दिगंबरत्व पद धारण करके दिगंबरत्व धारण करके मुनि दीक्षा धारण कर करके हम भी उन्हीं के समान पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हों। शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष पुरुषार्थ को जागृत करें और हम भी मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।